नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए 13 जून आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 2 का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट का I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, आप टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग10। आपने देखा होगा कल भी हम लोगों ने लेवल 5 का एग्जामिनेशन रिव्यू किया था। कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि किसी भी एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको हमारा लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेस्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? जी सर, आपका चैनल तो मैंने सब्सक्राइब कर ही चुका हूँ सर, बहुत अच्छा है। ठीक है, टेस्ट बुक ले सकता हूँ, अभी तो फिलहाल एग्जाम दे चुका हूँ। और मेरा दो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, मैंने मतलब कि 120 में 95 अटैम्प्ट किए हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर? आज का पेपर मॉडरेट था और 95 to 100 क्वेश्चन बनाने लायक। पेपर इजी था सर आज का? पेपर इजी था। कितना इजी था सर? ऑलमोस्ट आप 120 में 100 तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आप? हम तो सर 98 अटेम्प्ट किए। कितना सही हो जाएगा? 90 का अप्रोक्स हो जाएगा। 90? यस सर। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर मॉडरेट ही था। हाँ। और जीके जीएस का सेशन जीके थोड़ा डिफिकल्ट था। हाँ। लेकिन रीजनिंग मैथ बनने वाला था। हाँ। लगभग लगता है कि इसका कट ऑफ लगभग 70+ ही जाने की उम्मीद है। हाँ। उम्मीद था नेगेटिव कम लेने का और सर 80+ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ। कटअप अच्छा खासा जाएगा, पेपर लेवल इजी था। कितना अटेम्प्ट किया हम? अटेम्प्ट किए हैं टोटल 103। 130 जी? 103। कितना सही हो जाएगा? लगभग 85 तो सही हो जाना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर भी कल से थोड़ा इजी था। हाँ, चार पांच क्वेश्चन कल जैसे भारी था ना, आज पजल देखने का समय भी मिल गया और आज पजल भी बनाए हैं। लेकिन मेरा अटेम्प्ट कल के तरह ही था, जितना कल अटेम्प्ट किया आज भी उतना ही अटेम्प्ट रह गया। कल भी 87 अटेम्प्ट किया था, आज भी 87, तो कल से कम आज माइनस मार्किंग आज कल से कम रहेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज के पेपर सही था, बट हमने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिया, 90 अटेम्प्ट लिया मैंने। कितना सही हो जाएगा? और लगभग मारे, अब देखिए सही जितना हो जाए वो तो अनुमान, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। अनुमान क्या बता सकते हैं हम आपको? वो तो आंसर के ही आने के बाद ही पता चलेगा कितना नंबर आ रहा है। अभी तो 105 कोई कह रहा है, उसका क्या 75 भी नीचे सही हो जाएगा, क्या पता 20-25 को गलती हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर? आज का क्वेश्चन जो है कुछ कल से कुछ हल्का था और अटेम्प्ट भी लगभग कल से कुछ ज़्यादा किए थे, 5-6 नंबर। और पजल भी आज जो था कुछ कल से नॉर्मली, और कल से पजल जो था कल से नॉर्मल ही था, जो आसानी से बन जाता था पजल। और बाकी देवे कल से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने अटेम्प्ट 95 किए थे। कितना सही हो जाएगा? लगभग वही 70 के लगभग सही हो जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आज के पेपर के बारे में? देखिए, अटेम्प्टिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ। अगर समय से नहीं चलिएगा तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, बहुत सारा देख भी नहीं पाइएगा। हाँ। हम 80 को बनाए हैं, जब 80 को मैं लगभग सही है मारे, तब पर मान के चले 5-10 को गलत हो जाएगा। 80% एक्यूरेसी है। क्वेश्चन बताइए आज का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ। बढ़िया क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन जो आप लोग को याद है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल होता है, मंडल के बारे में पूछता है ऋग्वेद में। दस मंडल नहीं होता ऋग्वेद में। हाँ। उसी बारे में पूछा था कि ऋग्वेद में 10 अष्टा सूक्त हैं तो कितने मंडल है उसमें, ये पूछा था। मैथ में था जो एक बेलन का जो कुआं खोदा जाता है, ठीक, उसमें से उसको माटी करके उसमें प्लेन बनाया जाता है, तो उस कितना इंच ऊपर उठेगा वो प्लेटफॉर्म? इजी रहता है लेकिन टाइम को मेंटेन करना पड़ता है। पजल भी बहुत अच्छा था, जो बैठाते थे वृत्त वाला उस पर आराम से बैठ जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। पूरा अच्छा से बैठ जाएगा। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बताइए आप लोग। ठीक था क्वेश्चन सर। महाद्वीप के ग्रुप को जो पेंजिया बोला जाता है उससे पूछा था, माउंट फ्यूजियम जापान में उससे पूछा था, और साइंस में भी सर अंतरिक्ष में कौन सा शैवाल को ले जाता है प्रोटीन के लिए, ये था। मैथ में ट्रेन से भी क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन था, और नंबर सिस्टम से 72 से डिवाइड करने पर, और सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन था, और सर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था कि एक्स वस्तुओं का सीपी इतना वस्तुओं के एसपी की इक्वल है, एक्स का मान निकालिए, इस तरह से प्रॉफिट लॉस भी था क्वेश्चन। क्वेश्चन सर ओवरऑल बोला जाए तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दी जाए तो मैथ में सब नॉर्मल क्वेश्चन था।
अच्छा। और रीजनिंग का पैटर्न कल के तरह ही आज भी इंक्लूटी से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। और सीटिंग अरेंजमेंट आज भी 5-6 क्वेश्चन था। हाँ। कोडिंग डिकोडिंग और ये सीरीज का क्वेश्चन आज भी आसान ही क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, सब बच्चा बनाता। कुछ क्वेश्चन सर इस तरह से था कि स्टार्टिंग में ही बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन को बनाते हुए टाइम आगे तक पहुँच नहीं पाया। हम लोग में ऐसा सिस्टम नहीं था, हम स्टार्टिंग देखे जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बनने वाला भी है, फिर भी उसको री अटेम्प्ट बनाएंगे। इस तरह से फर्स्ट टाइम पहुँच गए, फिर रिटर्निंग आए, इस तरह सर हम 107 बनाए। करेंट में था कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खुला था 2021 में, ये बोला था टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खुला था? एक था सर सेना के, सेना में कोई नर्स को अवार्ड दिया गया है, सिंपल नहीं था कोई ब्रिगेडियर, हाँ नाइट फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड किसको दिया गया, सेना ब्लाम में, उसे क्वेश्चन था करेंट में। और स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन खेल से संबंधित, इटालियन ग्रैंड प्री वाला था, इटालियन ग्रैंड प्री कोपा अमेरिका भी था, इटालियन वाला भी था, बॉक्सिंग वाला था। एक बॉक्सिंग था कि लवलीना ने जो गोल्ड, वो बॉक्सिंग से क्वेश्चन था, ओलंपिक से, ओलंपिक्स में से एक ही क्वेश्चन था। और बुक्स एंड राइटर नहीं, बुक्स एंड राइटर अवार्ड्स वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं, वो फ्लोरेंस हेडक्वार्टर कहां पे, आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर, आईएसएसएफ हां, मतलब कहां आयोजित किया जाएगा उसका क्वेश्चन था। 2021 से बना था, 2021 का स्पेस से कोई क्वेश्चन, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, नहीं ये सब नहीं था, ये सब नहीं था, नहीं था। मैथ का क्वेश्चन ठीक था, मैथ का क्वेश्चन ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था, सिटिंग अरेंजमेंट 2-3 क्वेश्चन था, मतलब बनने वाला था। सब टाइम का, सब टाइम का मैनेजमेंट है, मैथ ठीक है, सब स्टूडेंट्स बनेगा, कैलकुलेशन वाला है। आज का क्वेश्चन कल के ही पैटर्न पे था या बिल्कुल कल के ही पैटर्न पे क्वेश्चन बिल्कुल ही था, क्योंकि जिस तरह से कल था उसी तरह से आज भी था, चेंजिंग सर ने चेंजिंग उतना नहीं था। इनइक्वालिटी से पूछा गया था, रीजनिंग में कल इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन था, आज भी इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन था, मतलब आज रीजनिंग का एंड मैथ का प्रॉपर पैटर्न सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं। इसको सर बहुत याद है, कल से पेपर आज का आसान था या टफ था? नहीं नहीं सर, उतना ही उसी लेवल था, सेम जी, सेम लेवल, सेम था वही। जनरल साइंस का टोटल कितना क्वेश्चन था? कलोरेला जो सर ले जाता है अंतरिक्ष में, जो सेवा ले जाता है अंतरिक्ष में ले जाने वाला कवक, पौधा का नाम दे दिया था, बोला था इस पौधा किस वर्ग का था, ट्रेडोफाइटा ब्रायोफाइटा, इसमें दिया था, इस प्रकार क्वेश्चन दिया था। अंतरिक्ष में याद करोरेला मतलब क्या खाते हैं, कौन सा प्लांट खाते हैं, प्रोटीन से भरपूर जो रहता है ना, वो वाला पूछा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन, नहीं ऐसी योजना नहीं, रेलवे तमिलनाडु में एक योजना आई थी, वो बहुत तमन्ना करी, तमन्ना कृषि का तमिलनाडु का था, उसी का फुल फॉर्म पूछा था, TNWA था ऐसे करके उसका फुल फॉर्म पूछ लेता। सुब्रमण्यम भारती से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार मतलब किस राज्य ने, मतलब महाकवि घोषित किया है, किस राज्य सरकार भारती को किस राज्य ने घोषित किया, नहीं नहीं डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती को किस राज्य ने महाकवि घोषित किया है? अच्छा, डॉक्टर सुब्रमण्यम भारती को किस राज्य ने कवि घोषित किया है, महाकवि? एक क्वेश्चन था जो पंडित जसराज का जो है ना संबंध किस घराने से है, ये भी था। और एक था राय जो है ना, राय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी था। और एक था मतलब ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, पहाड़ नदियाँ वगैरह, फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है माउंट फ्यूजियामा, उससे बस एक ही था वर्ल्ड क्वेश्चन। एक माउंट आबू किस श्रेणी से संबंधित है, ये भी पूछा था, अरावली से, किसको मतलब टूटने से हुआ है? और सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, 2 क्वेश्चन यहाँ उठा दिया, आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल। ये बताइए कि जो आप लोग का 50 नंबर जनरल अवेयरनेस था, उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था सर? कम 10 के आसपास, 8-10 मानिए, 8-10। तो कहाँ तक के करंट अफेयर को कवर अप किया गया? 2020 से 21, 22 से 22 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 22 से 22 से। इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताइए, इकोनॉमिक्स से सेलिंग प्राइस जो क्या होता है, सेलिंग प्राइस के बारे में दिया होता है, क्या था सेलिंग प्राइस? 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान में कितना परसेंट
इंक्रीज का लक्ष्य रखा गया है, मतलब सेकेंड फाइव ईयर प्लान में कितना परसेंट इंक्रीजिंग का लक्ष्य रखा गया, उसमें 30-40 का दिया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। गांधी योजना जो है ना किसके द्वारा चलाया गया था, जैसे मैं नारा तो किसके द्वारा चलाया, 1944 में गांधी प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसमें तांडव कुछ कर था, हाँ उसी में था, एम एन राय के द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया था। जो नई औद्योगिक नीति जो है ना कब आया था, ये भी क्वेश्चन था, जो नई औद्योगिक नीति जो है ना कब आया था, ये भी क्वेश्चन था जीके से। बाबर फरगना का शासक कितने आयु में बना था, ये था बाबर, से था क्वेश्चन बाबर, बाबर वाला क्वेश्चन क्या था, बाबर था कि बाबर कितने वर्ष के आयु में गद्दी पे बैठा, हाँ तो 94 में बैठा था, तो 83 जन्म हुआ, 11 साल हुआ होगा, हाँ क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9 73वां संविधान संशोधन, इसे क्वेश्चन था। और राइट टू प्रॉपर्टी किस संविधान संशोधन से हटाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी किस संविधान संशोधन से हटाया गया था, ये क्वेश्चन कुल मिला के ज्यों ज्यों लेवल कम होती है तो आप मैथ का मतलब लेवल कम कर देता है, जबकि रीजनिंग वही ज्यों कहते हैं रीजनिंग का लेवल वही रहता है, मैथ थोड़ा थोड़ा कम करता है, अदरवाइज आप रीजनिंग लेवल वही है जैसा वो उसमें था वैसा ही है। मैथ जो है सर बच्चों की प्रोत्साह को बढ़ाता है कि हम बनाते चले जाएंगे, एक तरफ पूरे बनाएंगे टाइम इधर कंज्यूम करवा लेता है, बहुत सारा बच्चा लास्ट तक पहुँच नहीं पाता है क्योंकि मन लग जाता है कि बना लेंगे टाइम जा रहा है, इस तरह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारा, जैसे कि मेरा दोस्त भी पहुंच नहीं पाया था, कुछ पीछे रह गया था क्वेश्चन। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पेपर सेट करने वाला बहुत देर होशियार है, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल हाईली टैलेंटेड पर्सन है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने उनकी होशियारी को पकड़ दिया, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो ये बताइए क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार, कट ऑफ सर इसका जो इसमें टाइपिंग भी है तो 70 और मुंबई 70 से कम नहीं जाएगा सर, 70 बहुत हुआ, अच्छा सिक्स से थोड़ा ज्यादा जाएगा, बाकी बात उतना ही रहेगा क्योंकि पेपर सर इसका जो है ना डिफिकल्टी थोड़ा सा कम थी, इसमें सीट भी अधिक है खासकर मुंबई बॉर्डर में, 70 पर ले लेना चाहिए। बेसिकली रेलवे के द्वारा जो कहा गया था कि जैसे जैसे आप लोग का लेवल नीचे जाएगा क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा, क्वेश्चन सर उतना उतार चढ़ाव नहीं है, मुश्किल से थोड़ा दो चार परसेंट है कि स्टार्टिंग में लेवल ऑफ डिफिकल्टी में ज्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं, आप यही कह सकते लेवल 5 एंड लेवल क्या कहते हैं सेकंड दोनों सेम ही है, मतलब मार्जिनल डिफरेंस है, उससे ज्यादा कुछ है थोड़ा डिफिकल्टी कम किया मैथ में, थोड़ा कम किया बाकी सब सेम है, मैथ में डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा कम किया है बाकी बात सब कुछ सेम। अटेंडेंस कितना देखने को मिल रहा है, अटेंडेंस अप्रोक्स 98% है, पूरे मेरे में तो ऑल फुल था, ऑल फुल था, सारे बच्चे आ रहे हैं, मेरा 87 है, कितने सही हो जाएंगे देखिए, हाँ एक्यूरेसी मेरा ठीक ठाक एक्यूरेसी 7-8 गलती के अलावा सब चीज़ ठीक ठाक। अच्छा मेरा सर हम 107 लिए थे, उसमें लगभग सही होना चाहिए 90+। आपका 100 अटेम्प्ट लिए हैं, कितना सही हो जाएगा, 90। आपका मेरा 88 है, लगभग 80 सही हो जाना चाहिए। आपका 98 जी, कितने सही हो जाएंगे, 80 के आसपास। सर मेरा 107 अटेम्प्ट है और 90-95 सही होगा। और सर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो आगे जो भी शिफ्ट है उसमें क्या होता है ना, अभी एनटीपीसी कैलकुलेटिव ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हम आगे संदेश दे देना चाहते हैं, मतलब जो भी विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनको, जो सम डिजिट का प्रयोग करें, सम डिजिट करने के बाद जो है वही डिजिटल सब के करने के माध्यम से क्या होता है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, और आज मैं उसका प्रयोग किया और उसका जो है फायदा मिला। मतलब सर ऐसे लगे वैदिक कैलकुलेशन है, मतलब वैदिक कैलकुलेशन टाइप का, मतलब सम को डिजिटल सम के तौर पे दिखाया गया, जैसे कि कोई भी संख्या की जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 है उसको, मतलब मैं और उसको जैसे डिविजल के बारे में पूछा जाएगा तो मतलब 9 को मतलब कैलकुलेशन कर 9 को इक्विवेलेंट काट करके उसको ऑप्शन एलिमिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल सब, जिसे हम वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो सबसे बेस्ट एंड सुटेबल होता है कैलकुलेशन इजी करने, हम लोग भी ने इसका प्रयोग किया, जैसे कि आज क्वेश्चन था CISI में तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, उसको डिजिटल सम के मेथड से बना लेंगे, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और बन भी जाता है। हाँ तो उसका आज प्रयोग किए, कल भी किए थे लेकिन कल 90 ही अटैम्प्ट कर पाए, ज़्यादा नहीं हो पाया, और मतलब क्या मतलब टाइम का जो है ना अभाव होने लगा था, तो आज उसको हम फिर से रिवीजन किए रात में जा करके, तो आज फिर उसका फ़ायदा मिला, इसीलिए हमको 107 अटैम्प्ट पूरा, नहीं तो अटैम्प्ट नहीं पूरता। अच्छा आप लोग किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? सर परेशानी नहीं, रीजनिंग में सर
प्लेटफॉर्म का जो भी टीचर है ना गिरिराज सिंह, उसका पता नहीं कैसा, उनका आइडिया बहुत परफेक्टली है, बड़ा चूक निशाना है उसका। जिस सिस्टम से लगे बैच लाए थे शायद वो इंजेक्शन टू करके, हम उसी बैच उनका पढ़े थे, जो पैटर्न दे रहे थे ना उन्हीं वही पैटर्न चल रहा है। अच्छा। हाँ, क्वेश्चन का जो से इंक्लूटी दे रहे थे जो जो सिस्टम से, और सीटिंग अरेंजमेंट पजल, मतलब जो हार चैप्टर था फोकस करते थे, बस वैसा ही पैटर्न। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप प्रॉपर रिवीजन करते रहे, प्रॉपर सेट का प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये 120 क्वेश्चन को आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ये चीज़ देखने को मिला, हम लोगों ने सेट बहुत बहुत बनाया था, जैसे अनअकैडमी से हो, टेक्स्ट बुक से हो, टेक्स्ट बुक से सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया हूँ, तो वो चीज़ देखने को मिलती है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट में, और क्या कहते हैं लेवल क्वेश्चन के जो भी लेवल है वो सब अच्छे से टैकल करने को मिल जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यदि एग्ज़ाम को भी देना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर टेस्ट देते रहें रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि उनको तैयारी अच्छे से हो जाए। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में सर्जन बहुत सिंपल था, सब लॉजिकली एकदम सेट हो जाता था, डिफिकल्ट नहीं था, आराम से उसको इजीली बना सकते हैं। हमको भी पहले डर लगता था, प्रैक्टिस किए थे वही सर पढ़ाए थे, सबसे पहले उसी को बना हुआ था, पढ़ने में ही इतना समय लगता है कि नहीं आप छोड़ दें क्योंकि आगे भी बनाना नहीं था, लेकिन जिनका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है वो अच्छे से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रैक्टिस पर है कि जो जितना मॉक मारा है जितना अच्छा से बनाया है उसका आसानी से हो जाएगा। जो लेवल 6 और 4 के बाद जो भी फॉलो किया होगा ना उसका रीजनिंग एक भी नहीं छूटा होगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, बहुत फायदा, क्योंकि उसमें सेम पैटर्न चल रहा है और सेम दे भी रहा है सब चीज़, तो उसका एक भी रीजनिंग नहीं छूटा होगा अगर उसको फॉलो किया होगा तो। और ये पजल टाइप का होता है नंबर अरेंज वाला, वो भी एक भी भारी नहीं था, दो दिया था, एक भी भारी नहीं था, समझिए जो मतलब जिसको अटेम्प्ट किया ठीक ठाक वो समझिए बहुत मेहनत किया होगा, तब इसके बाद ही 98 अटेम्प्ट हुआ, नहीं तो 98 अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। सर मेन है टाइम मैनेजमेंट करना सर इसमें, क्या कि मैथ जितना भी इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने आज का आपके लिए रिव्यू लाया, और हम लोग जो है कि सेकेंड शिफ्ट का भी रिव्यू आपको इसी सेंटर से प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर रिव्यू देना चाहते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग गेट नंबर 1 के सामने में ही रहते हैं, आप लोग यहाँ पर रिव्यू देने के लिए आ सकते हैं। तो हमारा ये आज का कवरेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।